मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार शिमला की वरिष्ठ माध्यमिक कन्या पाठशाला पोर्टमोर को छात्रा शिक्षा के लिए राज्य का प्रमुख संस्थान बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। मुख्यमंत्री ने ये बात पोर्टमोर स्कूल के वार्षिक समारोह के अवसर पर कही। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने पाठशाला में आधुनिक पुस्तकालय और बहुउद्देशीय जिम्नेजियम का भी उद्घाटन किया। वरिष्ठ आदर्श माध्यमिक पाठशाला पोर्टमोर के वार्षिक समारोह के मौके पर लड़कियों की शिक्षा पर बल देते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्हें अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीने के लिए शिक्षा उन्हें सशक्त बनाने का सबसे बेहतरीन माध्यम है। उन्होंने कहा कि शिक्षा महिलाओं को उनके कार्य में और अधिक सृजनात्मक बनाने में मदद करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं में कौशल, सूचना, प्रतिभा और आत्मविश्वास भरा होता है, जिससे वो एक बेहतर माँ, कर्मचारी और नागरिक बनती हैं। उन्होंने कहा कि हमारे देश में लगभग आधी आबादी महिलाओं की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पोर्टमोर जैसे शिक्षण संस्थान इस दिशा में और महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जयराम ठाकुर ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली पुरस्कार विजेता छात्राओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस पाठशाला की छात्राओं ने विभिन्न क्षेत्रों में नाम अर्जित किया है, जो संस्थान के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि पोर्टमोर की छात्राओं ने अपने संस्थान का नाम रोशन किया है। एक तो मैं यहाँ स्कूल प्रशासन को बधाई देता हूँ और ये पोर्टमोर जो स्कूल है ये हमारा एक बहुत ऐसा स्कूल है जिसकी एक अलग पहचान है और बहुत सारे बच्चों ने यहाँ से शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात जो है बहुत अच्छा स्थान हासिल किया है समाज में काम करते हुए भी। और इस दृष्टि से इस स्कूल में जो चीज़ों को लेकर के जो नयापन शुरू किया है और उसके लिए मैं बधाई देता हूँ, चाहे आज वो पुस्तकालय की भी यहाँ पर का उद्घाटन किया गया और उसके साथ साथ में जो जिम की आप बात पूछ रहे हैं विशेष तौर से, ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रयास है। और आज के वक्त में जब हम नशे के खिलाफ बहुत बड़ा एक अभियान चला करके हिमाचल प्रदेश में सरकार काम कर रही है, ऐसी परिस्थिति में स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना, उनको बढ़ाना और उसके साथ साथ में हमारे बच्चे जो है शारीरिक रूप से भी विकसित हो सके मानसिक रूप के साथ साथ में, उस दृष्टि से इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता महसूस की जाती थी। और ये अच्छा एक बेहतरीन प्रयास यहाँ इस स्कूल के माध्यम से शुरू हुआ है और बाकी स्कूलों के लिए भी ये मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा। इस मौके पर स्कूली छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियाँ दी। मुख्यमंत्री ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली छात्राओं को अपनी ऐच्छिक निधि से 51,000 रुपये देने की घोषणा भी की। इससे पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का स्कूल पहुंचने पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया और पोर्टमोर स्कूल की एनसीसी अधिकारी तृप्ता शर्मा की अगुवाई में एनसीसी टुकड़ी ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। मुख्यमंत्री ने पाठशाला में आधुनिक पुस्तकालय और बहुउद्देशीय जिम्नेजियम का उद्घाटन भी किया। उन्होंने स्कूल परिसर में माँ सरस्वती की प्रतिमा का अनावरण भी किया। मुख्यमंत्री को इस मौके पर स्कूल के NSS द्वारा 31,000 रुपये का ड्राफ्ट भेंट किया गया। मुख्यमंत्री ने स्कूल के पुराने विद्यार्थियों को सम्मानित किया, जिनके नाम अखंड शिक्षा ज्योति मेरे स्कूल से निकले मोती कार्यक्रम के तहत स्कूल सम्मान बोर्ड पर नामांकित है। उन्होंने इस अवसर पर मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी किया। स्कूल के प्रधानाचार्य नरेंद्र सूद ने मुख्यमंत्री और उपस्थित गणमान्य लोगों का स्वागत किया। उन्होंने स्कूल की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ी। नरेंद्र सूद ने कहा कि पोर्टमोर आवासीय सुविधा युक्त राज्य का पहला छात्रा विद्यालय है। उन्होंने छात्राओं के लिए नए आवास खंड के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री से आग्रह किया। वर्ष भर का वार्षिक उत्सव एनुअल प्राइजेशन फंक्शन जो है हम विद्यालय में मना रहे हैं और इसी उत्सव में जो इस वर्ष हमने विद्यालय के अंदर मल्टी जिम लगाया, एक आधुनिक मॉडल लाइब्रेरी बनाई और माँ सरस्वती के प्रांगण में जो है यहाँ पर अर्पित लगाया है, उसका अभी उद्घाटन हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी के और शिक्षा मंत्री जी के करकमलों द्वारा। और अभी जो वर्ष भर की उपलब्धियाँ थी जिनों में बच्चों ने विभिन्न एक्टिविटियों में पार्टिसिपेट किया और हमारे विद्यालय का नाम रोशन किया है, चाहे एकेडमिक्स हैं, चाहे स्पोर्ट्स है, चाहे विभिन्न तरह की एक्टिविटी, चाहे सरकारी थी चाहे गैर सरकारी, वर्ष भर की
उनमें जिन बच्चों ने उपलब्धियां प्राप्त की हैं उन बच्चों को जो है आज इस एनुअल प्राइजेशन फंक्शन में जो है मुख्यमंत्री द्वारा और शिक्षा मंत्री द्वारा जो है नवाजा गया। और ये बड़ा हर्षोल्लास का विषय है कि आज हमारे बीच में इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री, ये पहली मर्तबा ऐसा है कि शिक्षा मंत्री भी जो है मुख्यमंत्री जी के साथ इस वार्षिक उत्सव में पहुँचे हैं। मैं पूरे माननीय मुख्यमंत्री जी का और शिक्षा मंत्री जी का, जो उन्होंने इस विद्यालय के लिए अपना वक्त दिया, उसके लिए उनका आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा। और ऐसी अपेक्षा के साथ कि जो कुछ एक मांगे उनके समक्ष रखी गई हैं, विशेषकर हॉस्टल की, क्योंकि ये पहला छात्रावास है हमारे हिमाचल प्रदेश में छात्राओं के लिए, जिसमें अभी तक केवल 160 छात्राओं के लिए जो है यहाँ पर स्थान है, लेकिन डिमांड बहुत रहती है। इसलिए आज इस बात को रखा गया है माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी के समक्ष। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज, शिमला नगर निगम की महापौर कुसुम सदरेट, शिक्षा सचिव डॉक्टर अरुण शर्मा, राज्य लोक सेवा आयोग की सदस्य डॉक्टर रचना गुप्ता, उपमहापौर राकेश शर्मा, उपायुक्त अमित कश्यप और स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष रामेश्वर दत्त, युवा सेवाएं एवं खेल विभाग की संयुक्त निदेशक और पाठशाला की पूर्व छात्रा अर्जुन अवार्डी सुमन रावत मेहता और अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी प्रभा राजीव सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।